भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2023 में अब तक बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। खेल के 11वें दिन सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने के रिकॉर्ड को टीम इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का नाम हर कोई जानता है। गोल्डन बॉय को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले नीरज जहां भी जाते हैं उनकी निगाहें इंडिया के लिए गोल्ड लाने पर रहती हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इंडियन प्लेयर्स ने पहली बार 70 का आंकड़ा पार किया है। नमस्कार, नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गरिमा आपके साथ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भी एक अच्छी शुरुआत की है। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में नीरज को गोल्ड का दावेदार माना जा रहा था और यह उन्होंने पहले ही थ्रो में दिखा भी दिया था, लेकिन यहाँ उनके साथ धोखेबाजी हो गई थी। जी हाँ, एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के साथ धोखा हुआ है। आपको बता दें कि नीरज ने पहले ही थ्रो में अपना टैलेंट दर्शकों को दिखा दिया था। ओलंपिक चैंपियन ने पहले अटेम्प्ट में भाला 87 मीटर के करीब फेंका था, लेकिन चीन जैसे देश में तकनीकी खराबी की वजह से उनका थ्रो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका और उन्हें दोबारा थ्रो फेंकने के लिए कहा गया। लेकिन चीन ने एक बार धोखा करने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और चीन ने एक बार फिर से इंडिया के साथ चीटिंग की। जी हाँ, एशियन गेम्स में भारतीय टीम जैवलिन थ्रो में कुछ ठीक नहीं है। पहले तो नीरज चोपड़ा के पहले थ्रो को रिकॉर्ड नहीं किया, इसके बाद दूसरे भारतीय जैवलिन थ्रोअर किशोर कुमार के दूसरे अटेम्प्ट को सही होने के बाद भी लाल झंडी दिखाकर फाउल का करार दिया। वहीं नीरज चोपड़ा की नजर इस धोखेबाजी पर पड़ गई और वो तुरंत ही अपने साथी के लिए दिए गए गलत फैसले के लिए जज के पास पहुंच गए। उन्होंने बात की और रिव्यू के बाद किशोर कुमार के थ्रो को सही का करार दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए नगरी न्यूज के साथ।